Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे देश के अंदर घर के अंदर शौचालय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. था क्या? अपने धर्म ग्रंथों को उठा के देख लो. इस देश के अंदर मुगल आए, उनकी स्त्रियां पर्दे में रहती थीं, इसलिए उन्होंने घरों के अंदर शौचालय संडास बनाए. और वो वीर जातियां जिन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, उन वीर जातियों के सर पे मैले ढुलवाए. कच्चे बांस की टोकरियों में मैला, और वो मैला सर पे रख के चलते थे. वो मुंह से लेकर कपड़े तक उस गंदगी में भीग जाते थे. इतना स्वाभिमान पर चोट मारी गई, ये भी झेल गए वो. लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया, उनके स्वाभिमान को भंग किया गया. स्वाभिमान को भंग किया, इसलिए भंगी शब्द दिया गया. होना क्या चाहिए था? आजादी के बाद तुम उनको गले लगाते, बाहों में बांध लेते. तुमने क्या किया? उनके बर्तन अलग रखे, उनको छूना स्वीकार नहीं किया. इससे ज्यादा मूर्खता हो सकती है क्या? कौन है वो? तुम कहते हो कि सुअर, सुअर जात, सुअर पाले. उन्होंने क्यों पाले मालूम है तुम्हें? बहू बेटियों का ब्याह होता था तो किसी ना किसी शेख के घर में 3 दिन तक अपनी स्त्री भेजनी पड़ती थी, तब वो अपने घर आ पाती थी. गुलामी के दिनों में सब मजबूर थे, कुछ नहीं कर सकते थे. हाथ जोड़ के कहा, शेख जी हमारी बहू आएगी आपके घर में, लेकिन हमारी कुल देवी की पूजा करके ही आएगी. कुल देवी की तो पूजा करनी ही होगी, और कुल देवी की पूजा पे बलि चढ़ेगी, सुअर की बलि, और सुअर के रक्त से आलता लगाएगी हमारी बहू बेटी. और सुअर के रक्त से आलता, पैरों के नीचे वो जो लाल रंग होता है, वो रक्त से लगाकर वो मेरे घर आए या शेख के घर आए, ये विधि तो करनी पड़ेगी. और जब पता चला कि सुअर की बलि चढ़ाई है, सुअर का रक्त लगाकर हमारे घर में, तो तौबा तौबा करके भागते थे वो. और सुअर को उल्टा लटका दिया जाता था मोहल्ले में, और जहां जहां चिंगाड़ उसकी जाती थी वहां वहां से ये मुगल दूर भागते थे. अपनी बहु बेटियों के सम्मान की रक्षा का कवच था सुअर को पालना. इस इतिहास से भारत